गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज आपको हम आपकी वर्कशीट पठन अभियान के अंतर्गत जो आज 1/2/22 की है उसके बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे। और आप अपने घर पर सुरक्षित रहें, जब तक आपको स्कूल में आने के लिए कहा ना जाए तब तक घर पर ही अपनी पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसे चालू रखें और लगातार काम करते रहें। तो आज आपकी वर्कशीट है सांप सीढ़ी का खेल। आओ खेलें सांप सीढ़ी, लेकर आओ अपनी मूढ़ी, इस खेल का मजा लें और करें कुछ लिखा पढ़ी। देखो इसमें कह रहा है कि हम जैसे घर पे बैठे रहते हैं तो क्या करते हैं कि एक सांप सीढ़ी का खेल खेलना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसा खेल है जो अपने अपने दोस्तों के साथ बच्चों के बड़े आसानी से और बिना भेदभाव के खेल सकते हैं। तो आओ खेलें सांप सीढ़ी, लेकर आओ अपनी मूढ़ी। या मूढ़ी चारों ओर बिछा ली जाती है, बीच में सांप सीढ़ी की जो भी सामग्री होती है उसे लेकर रख लेते हैं और इस खेल का मजा लें और करें कुछ लिखा पढ़ी। और इसके साथ साथ क्या करते हैं हम, कुछ हमें नंबर के बारे में भी ज्ञान होता है। गोटी कभी ऊपर कभी नीचे, पासा फेंको आंखें नीचे, कभी छः आए कभी कट जाए, देखो कौन आखिर तक पहुँचे। इसी तरह से हम गोटियों को लेते हैं, उनको फेंकते हैं, पासा, तो इससे पता है कि हमारा छः आया है या कुछ नहीं आया। जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और अंत में हम जो अंतिम अंक होते हैं उन तक पहुँच जाते हैं। इस तरह से इस खेल को खेलते हैं और इसको हम अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ भी बड़ी आसानी से खेल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्रियाकलाप हैं, उनको करेंगे। अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ या खेलें, खेल खेलें और लिखें। खिलाड़ियों के नाम, आप कौन से संबंध, आयु, वर्ष, इस तरह से करें। रीमा, नीरा और रूपा ने भी ये खेल खेलना शुरू किया, ये पता लगाएं कि कौन सा खिलाड़ी सबसे आगे। तो रीमा की चाल, नीरा की चाल, रूपा की चाल, इस तरह से इन चालों को हम गिन लें, इन चालों को गिन लें तो हमें पता चलता है कि कौन सबसे आगे और कौन सबसे पीछे। अब तीसरे को देखें, अगर रूपा खेलते हुए 14 अंक आए तो उसकी जगह उसकी अगली चाल 6 हो तो कहाँ पहुँचेगी। तो इस तरह से आप इस खेल को बड़ी आसानी से खेल सकते हैं और करके भी देखें, ये बहुत अच्छा खेल है। एक नीचे लाइन दी गई है, 2 राज अथवा 6 फीट, ये राज नहीं है, 2 गज है। ये यहाँ पे जो राज लिखा हुआ है ये गज है। तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। गुड आफ्टरनून।